अपने गाल पर हाथ दे करके क्यों खड़ा होंगे जी? आप सोचिए, मैं अपने गाल पर हाथ धर करके क्यों खड़ा होऊंगा जी? नमस्कार, मैं हूँ अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज वन इलेवन। स्वतंत्रता दिवस को लेकर कई तस्वीरें आई, जिसमें से एक तस्वीर बिहार के शिवहर से भी निकल कर आई, जिस तस्वीर में यह दिखाया गया कि स्थानीय विधायक ने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया है और वो सलामी नहीं दे रहे हैं। हालांकि इस बीच जिस तरीके से तस्वीर वायरल हुई, ये तस्वीर वायरल हुई और इसको लेकर संदेश भी वायरल हुआ, जिसको लेकर फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं शिवहर से जेडीयू विधायक शरफुद्दीन। उनसे बातचीत करते हैं और उनका भी पक्ष जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। शरफुद्दीन जी, स्वागत है आपका न्यूज वन इलेवन में। हाँ बोलिए। जिस तरीके से सबसे पहले प्रतिक्रिया आपसे जानना चाहेंगे कि जो फोटो वायरल हो रहा है, क्या उस फोटो में आप ही हैं? बिल्कुल। तो एक सवाल जिस तरीके से किया जा रहा है जनहित, और जिस तरीके से आप जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, जनता ये सवाल कर रही है, इसलिए न्यूज वन इलेवन ये आपसे सवाल कर रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो आपने सलामी नहीं दी? सुनिए जी, झंडा कुलन के टाइम जी हर जगह हम सलामी दिए हैं जी जी, वहाँ एक कीड़ा बैठ गया था, हम हाथ उस पर घुमाए चेहरा पर जी, और उसको फोटो खींच करके वायरल कर दिया जी। हम छठ में, दिवाली में, झंडा में, दुर्गा पूजा में जी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, हम देश के वफादार सिपाही हैं। बिल्कुल। हम समाज को लेकर के चलते हैं, हमारे क्षेत्र में कहीं से किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग हैं जी जो इसको तील का तार बनाए हुए हैं जी, आप बताइए से हम सलामी क्यों नहीं देंगे? हम देशद्रोही है? नहीं नहीं, बिल्कुल ये न्यूज वन इलेवन नहीं कह रहा है। न्यूज वन इलेवन ये भी नहीं कह रहा है कि आप इस तरीके से देशद्रोही हैं। आपकी जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल आप वफादार हैं और आपकी वफादारी दिखती है जैसा कि आप कह रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से तस्वीर वायरल हुई है उससे कहीं ना कहीं लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा हुआ है। विधायक जी, ऐसा होता है जैसा कि आप भी जानते हैं कि कुछ ऐसी तस्वीरें आती हैं जिससे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचता है। तो आप लोग समझदार हैं जी, हम अपने गाल पर हाथ दे करके क्यों खड़ा होंगे जी? आप सोचिए, मैं अपने गाल पर हाथ धर करके क्यों खड़ा होऊंगा जी? वो तो एक कीड़ा पड़ा, वो हाथ हम घुमाए उसी में घिस करके वायरल कर दिया जी। तो आप ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो इस तरीके से तस्वीरें वायरल करते हैं, जो आपकी सलामी वाली तस्वीर नहीं डालते हैं और ऐसी तस्वीरें वायरल करते हैं, ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? और जिस जगह हम सलामी दे रहे हैं उसको वायरल लोग नहीं किया है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ अब क्या आप कोई कार्रवाई भी करने वाले हैं क्या? क्या चीज? ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई भी करने वाले हैं क्या जो आपकी ऐसी तस्वीरें वायरल कर रहे हैं और उसके साथ ऐसा मैसेज भेज रहे हैं, ऐसा मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं और आपकी जो सलामी वाली तस्वीर है वो नहीं डाली जा रही है? हाँ, कार्रवाई, हमारे कहने का मतलब है सच्चाई में दम होना चाहिए ना जी। हमारे कहने का मतलब, हम 9 साल से विधानसभा सदस्य हैं जी, आज तक हम पर 107 FIR नहीं हुआ जी। हम समाज को लेकर के चलते हैं, जमात के साथ चलते हैं, जात के साथ नहीं चलते हैं जी। हम लोग शपथ लेते हैं बिल्कुल, तो हम जमात को लेकर के चलेंगे, जात को लेकर के नहीं चलेंगे जी। और ये पूरे क्षेत्र में आप कहीं भी पता कीजिए, मेरा सब लोगों से क्या रिश्ता है? नहीं है। और हम देशद्रोही हैं कि देश के वफादार हैं? और देश का जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सिपाही होंगे वो देश के गद्दार नहीं हो सकते? बिल्कुल, देश के वफादार होंगे। बिल्कुल। विधायक जी, एक सवाल मेरा ये है कि जिस तरीके से अब विरोधी पार्टियां भी इसको मुद्दा बना रही हैं और उनका ये कहना है कि जो पार्टी अपने आप को देश प्रेम कह, देशभक्ति अपने आप को दिखाती है, देश प्रेम कहती है, उसके घबराहट है जी, विरोधी को घबराहट है से ये कैसे हटेंगे जी? इसके लिए घबराहट है तो वो मतदाता मालिक फैसला करेगा से हम हटेंगे कि रहेंगे जी। बिल्कुल। कुछ विरोधी को मतलब गलत इस्तेमाल करने से जी और गलत वायरल करने से क्षेत्र में कोई फर्क नहीं पड़ता है जी। मैं देश का वफादार सिपाही हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं हिंदुस्तान के लिए मैं जान दे दूंगा, छाती पर गोली खाऊंगा, पीठ पर गोली खाने वाला नहीं।
बिल्कुल विधायक जी, मेरा सवाल यह था आपसे कि अब आप उन लोगों के लिए क्या अपील करना चाहेंगे जिनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा है आपकी इस तरीके से वायरल तस्वीर से सीधे तौर जी। मैं अपने क्षेत्र और देश के लोगों को जी मैं ये बताना चाहता हूं जी, इस देश में हमारे भारत देश में जो भी मुसलमान हिंदू सब भाई भाई है, बिल्कुल, और इस देश के लिए कुछ भी करना होगा तो हम लोग देश ये करेंगे जी। ये गलत भावना को लोग रखते हैं जी, से मैं देश का गद्दार हूँ ये दिमाग से निकाल दे, मैं हिंदुस्तान में हिंदुस्तान का बनकर रहूंगा जी, पाकिस्तान से हिंदुस्तान में डबल मुस्लिम है, बिल्कुल जी, पाकिस्तान का औकात नहीं है से हिंदुस्तान के ही मुसलमान से मुकाबला कर सके, बिल्कुल, अगर बम गिरता है पाकिस्तान का तो मुस्लिम हिंदू सारे लोग मरेंगे, बिल्कुल, बिल्कुल, एक हिंदू नहीं मरेंगे और मुसलमान बच जाएंगे, बिल्कुल, इसलिए हमारा इस्लाम भी बताता है से देश के लिए छाती में गोली खाओ पीछ में नहीं, बिल्कुल, देश के लिए जान दे दो पीछे मत हटो, बिल्कुल, कोई कार्रवाई भी मेरा इस्लाम भी बताता है। विधायक जी कोई कार्रवाई भी करने वाले हैं ऐसे लोगों के खिलाफ क्या? हेलो, कोई कार्रवाई भी करने वाले हैं क्या आप ऐसे विधायक ऐसे ऐसे जो लोग वायरल कर रहे हैं आपकी तस्वीरों को, क्या कोई कार्रवाई भी करने वाले हैं आप? हाँ कार्रवाई करेंगे, हम पटना से लौटते हैं जी, तो जो लोग ये गलत मैसेज दे रहे हैं उन पर कार्रवाई करेंगे, बिल्कुल। हमसे जुड़ने के लिए विधायक सरफुद्दीन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी बातें रखी क्योंकि हम यही चाहते हैं कि निष्पक्षता हो, दोनों तरफ की बातें रखी जाए। हमसे जुड़ने के लिए फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जेडीयू के विधायक सरफुद्दीन जो शिवहर से विधायक है, जिनके बारे में एक तस्वीर वायरल हो रही है और उस तस्वीर में यह दिखाया गया है कि तिरंगे झंडे को स्वतंत्रता दिवस के दिन उन्होंने सलामी नहीं की, जब सब लोग सलामी कर रहे थे, राष्ट्रगान हो रहा था, वो खड़े थे लेकिन उन्होंने सलामी नहीं की, वो अपने गाल पर हाथ रखकर खड़े थे। हमने बात की शिवहर के विधायक जिस तरीके से सरफुद्दीन है उनसे, उनसे भी जानने की कोशिश की कि उनका पक्ष क्या है, उनकी बातें आपने सुनी, उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि आखिर वो गाल पर हाथ रखकर क्यों खड़े होंगे, वो देशभक्त हैं और वो देश के लिए गोली भी खाने को तैयार है। उनका यह भी कहना है कि जिन्होंने भी इस तरीके से तस्वीरें वायरल की हैं उनके खिलाफ वो कार्रवाई भी करेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑन लेबर और मैं हूं आपके साथ अविनाश पांडे, ऐसे ही हम तमाम मुद्दों को आप तक पहुंचाते रहते हैं और इसलिए आप हमारे YouTube चैनल को YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ साथ हम हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट newsonleban.in पर जाकर बिहार झारखंड के साथ साथ देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रह सकते हैं। लेकिन फिलहाल इतना ही, बन रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ ऑन लेबन। नमस्कार। न्यूज़ ऑन लेबन के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।